टीकमगढ़ में निजी स्कूलों के संचालकों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से आरटीई फीस का पूरा भुगतान करने की मांग की। टीकमगढ़ में निजी स्कूल के संचालकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि आरटीई फीस का पूरा भुगतान किया जाए। संचालकों ने बताया कि भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सरकार ने स्कूल से यूनियन को भरोसा दिलाया था, लेकिन सिर्फ झूठ बोलकर सरकार ने स्कूल से संचालकों को मरने के लिए छोड़ दिया। कई लोग किराए की बिल्डिंग लेकर अपने स्कूल का संचालन कर रहे हैं और आरटीई फीस से किराया चुका रहे हैं, जो सरकार ने अभी तक नहीं दी है। सिर्फ 20% ही भुगतान किया गया है। मिडिल स्कूल अभी भी बंद हैं। ऐसे में आरटीई फीस का पूरा भुगतान किया जाए, नहीं किया गया तो एक बार फिर स्कूल यूनियन को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। जो हमारी आरटीई की फीस है 19-20 की जी जी और 20-21 की, वो 100% पूरी की जाए, क्योंकि हम जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं सभी इस दौर से आर्थिक से तंगी से गुजर रहे हैं, तो आरटीई की फीस हमारी 100% पूरी की जाए। दिसंबर के महीने में टीकमगढ़ जिले में हम लोगों ने 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन टीकमगढ़ जिले में किया था अपनी मांगों को लेकर, और 21 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भोपाल में भी किया था। वहां से मध्य प्रदेश के सभी संगठनों के 16 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को मंत्रालय में शिक्षा मंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया था और हम लोगों को आश्वासन दिया था। हमारी 10 मांगों में से 8 मांगें पूरी कर ली थी, उनमें से एक मांग आईआईटी फीस प्रतिपूर्ति 2019-20 तक 100% करने और 2020-21 सत्र की आईआईटी फीस प्रतिपूर्ति 30% से 50% तक मार्च 2021 तक करने का आश्वासन उन्होंने दिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।